दोस्तों क्या सोनू सूद फ्रॉड हैं? इनके पास लोगों की मदद के लिए इतने पैसे कहाँ से आए? ये इतने महंगे महंगे सामानों की एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहे हैं इस समय? और ये लोगों की मदद कैसे करते हैं? और इनके साथ और कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं? और बहुत सी इम्पॉर्टेंट बातें सोनू सूद जी के बारे में जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बॉलीवुड एक्टर मिस्टर सोनू सूद जी के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और आगे ऐसी ही वीडियो और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब देश में पहला लॉकडाउन लगा तब सोनू सूद जी अपनी फ्रेंड नीति गोयल के साथ गरीबों में राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हुए उन्होंने देखा कि सड़कों पर हजारों लोगों का रेला चल रहा है। किसी ने सर पर सामान लिया है, किसी ने बच्चे को लिया है और बस चले जा रहे हैं। तब सोनू सर ने उन्हें रोक कर पूछा, कहाँ जा रहे हो? वे बोले, घर जा रहे हैं। कितनी दूर है तुम्हारा घर? वे बोले, साहब 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर है हमारा घर। ये सभी बातें सुनकर सोनू सूद सर को बहुत अजीब लगा और उन्होंने उन सभी लोगों का मदद करने का निर्णय लिया और कहा, मैं आप लोगों को आपके घर बस से भेज देता हूँ। लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि जब सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है तो ये अकेला आदमी क्या कितनों को घर पहुँचाएगा। लेकिन जब सोनू सर ने ये निर्णय लिया कि मुझे इन लोगों को घर पहुँचाना है, तब उन्होंने लगभग 350 लोगों से ज़्यादा लोगों को घर पहुँचा दिया। जब ये बात प्रचार प्रसार में फैल गई तो सभी लोग सोनू सर से निवेदन करने लगे कि सर हमें भी घर पहुंचा दो, हमें भी घर पहुंचा दो। और उसके बाद लगभग 1 लाख लोगों को सोनू सूद और उनकी टीम ने घर भेजा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब दोस्तों वीडियो में हम आगे स्टेप बाय स्टेप ये समझने का प्रयास करेंगे कि सोनू सूद सर के पास रिक्वेस्ट कैसे आती थी और वे इतनी सारी रिक्वेस्ट्स को मैनेज कैसे करते थे, उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए और वे लोगों में पैसे किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और सबसे बड़ी बात क्या सोनू सूद पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे और बहुत से लोग सोनू सूद सर को फ्रॉड क्यों मानते हैं, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों पहला सवाल मन में ये उठता है कि जब सोनू सूद के पास इतनी सारी मैसेजेस, ट्विटर, फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स, मैसेज, व्हाट्सएप और कई लोग तो उनके ऑफिस तक चले गए, तो सोनू सूद सर ने इन सभी रिक्वेस्ट्स को कैसे मैनेज किया? इन सभी रिक्वेस्ट्स को मैनेज करने के लिए सोनू सूद सर ने अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए अलग अलग हेल्पलाइन बनाई ताकि जिसे जो समस्या हो वो उसी हेल्पलाइन से मदद मांगे। और सोनू सर के इस हेल्पिंग नेचर से प्रभावित होकर बहुत सारे NGO और कंपनीज ने उनसे हाथ मिलाया कि वे भी उनके साथ लोगों की मदद करेंगी। जैसे इलाज इंडिया इनिशिएटिव के लिए keto.org ने इनसे हाथ मिलाया जो एशिया की एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है, और डॉक्टर्स के फ्री कंसल्टेशंस के लिए heal well 24 ने इनसे हाथ मिलाया, और इसके साथ कृष्णा डायग्नोस्टिक भी सामने आया जो कि फ्री में कोविड का टेस्ट कर रही थी। अब दोस्तों दूसरा सवाल ये उठता है कि इतने लोगों की एक साथ मदद करने के लिए बहुत बड़े फंड की ज़रूरत है, तो इतना सारा फंड सोनू सूद सर के पास कहाँ से आया? तो सबसे पहले बात करते हैं उनके पर्सनल मनी को लेकर। तो दोस्तों कहते हैं कि सोनू सूद ने अपने बहुत सारे फ्लैट्स और शॉप्स को मॉर्गेज यानी कि बंधक रखा है और 10 करोड़ रुपए यहाँ से प्राप्त किए और इसे भी लोगों की मदद के लिए डोनेट कर दिया। और उसके बाद आती है फ्रेंड्स मनी। तो दोस्तों इस समय सोनू सूद की मदद के लिए उनके फ्रेंड्स भी आगे आए और उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री में से भी कुछ लोग थे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया कि सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेज दिया और वे सही सलामत अपने घर पहुंच गए। लेकिन अब बात आई रोज़गार की, क्योंकि घर पहुंचने के बाद उनके पास कोई रोज़गार नहीं था, तो इसके लिए भी सोनू सर ने एक कदम आगे बढ़ाया और प्रवासी रोजगार योजना चलाया और सभी प्रवासी मजदूरों को रोज़गार दिलाया। और यहाँ तक कि सोनू सर ने बहुत सारे वेबिनार किए और बहुत सी कंपनियों और ऑर्गेनाइजेशन से
कि मैं आपके वेबिनार में आ रहा हूँ और आप मेरी चैरिटी में हेल्प करिए। और सोनू सूद की इन सभी बातों को सुनकर बहुत सारे मटेरियल प्रोवाइडर्स भी सामने आए और डॉक्टर्स भी इनका साथ देने के लिए सामने आए और जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस थे वे भी सोनू सर के साथ आ गए और इस तरह से सोनू सर का कारवां आगे बढ़ा। और ऐसे में दोस्तों दिन पर दिन सोनू सर की ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होती जा रही थी। और ऐसे में जब ब्रांड्स उन्हें एडवर्टाइजमेंट के लिए बुलाते हैं तो सोनू सूद कहते हैं कि प्लीज़ मुझे 2 गुना मनी चाहिए, और ये मनी मुझे नहीं चाहिए, इस कैंपेन को चाहिए जो कि राष्ट्रहित में चल रही है। और दोस्तों सभी ब्रांड्स ने सोनू सर की ये बात खुशी खुशी मान ली और बहुत सारे ब्रांड्स ने अपने मटेरियल्स भी प्रोवाइड कराए, जैसे कि MI कंपनी ने सैकड़ों स्मार्टफोन्स दिए ताकि गांव वाले मोबाइल पर अपनी लर्निंग कर सके। अब दोस्तों एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि सोनू सूद सर अपनी मदद लोगों तक कैसे पहुँचाते हैं, क्योंकि किसी भी चैरिटी या ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ्रॉड करने के लिए लाइन में पहले से लगे होते हैं और मौका देखते ही अपना काम कर लेते हैं। तो इस पर सोनू सूद कहते हैं कि मैं पैसे किसी को नगद नहीं देता हूँ। तो हेल्प कैसे करते हैं? वे हेल्प करते हैं डायरेक्ट टू इंस्टीट्यूशन। मान लीजिए किसी पेशेंट की सर्जरी किसी हॉस्पिटल में हो रही है तो सोनू सूद सर मदद सीधे हॉस्पिटल को देते हैं। सोनू सर ने कहा कि मेरे मदद करने का तरीका है नो कैश ओनली मटेरियल। कौन सा इंजेक्शन चाहिए बताइए, आपके घर भेज देंगे। कौन सी मेडिसिन चाहिए बताइए, आपके घर भेज देंगे, लेकिन पैसे नहीं देंगे। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए सोनू सूद अकेले काफ़ी नहीं है, तो इन्होंने अपनी टीम कैसे बनाई? और दोस्तों इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों जब सोनू सूद लोगों की मदद के लिए आगे आए तो सबसे पहली साथी बनी इनकी नीति गोयल, और इन दोनों ने अपने कुछ वॉलेंटियर्स बनाए और उन वॉलेंटियर्स के साथ मिलकर इस काम को स्टार्ट किया। और अलग अलग IMS और ग्रेजुएट्स लोगों ने सोनू सूद को मदद ऑफर की और सोनू सूद ने खुशी खुशी इस मदद को स्वीकार किया और इन सभी ने मिलकर मिलाप नामक फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की और कैंपेन चलाया और गोल रखा 50 लाख रुपये कलेक्ट करने का। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि मात्र 2 हफ्तों में 59 लाख रुपये इस प्लेटफॉर्म ने रेज किए। और धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशंस और बड़ी बड़ी कंपनियां इन लोगों के पास आने लगीं, जिसमें रिलायंस और विप्रो जैसे इंडिया के टॉप ऑफिशियल्स आए और ब्रह्म कुमारी जैसी संस्थाओं के एक्सपर्ट्स आए और इन लोगों ने मिलकर एक 10 मेंबर्स की अलग टीम बनाई और सभी मेंबर्स ने अपना अपना जीबा संभाल लिया। और सोनू सूद खुद इस चैरिटी में एक दिन में लगभग 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। दिन भर उनके पास फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस लोगों के हेल्प के लिए आते रहते हैं और सोनू सर लोगों की मदद करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि कुछ बड़ा करना है तो खुद पे विश्वास रखो और निकल पड़ो, पीछे अपने आप टीम खड़ी हो जाएगी। अब दोस्तों वीडियो में आगे हम बात करते हैं कि कुछ लोग सोनू सूद को फ्रॉड क्यों मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सोनू सूद फ्रॉड हैं और कुछ लोग कहते हैं कि सोनू सूद अपने ही लोगों से रिक्वेस्ट डलवाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट पूरी हो चुकी है। ट्विटर पर कुछ लोग कह रहे हैं कि जो आदमी नहीं है यानी कि दुनिया से चला गया, उसके लिए यदि रिक्वेस्ट की जाती है तो उसको भी ये लोग कहते हैं कि हाँ बेड दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि हमने एक फर्जी रिपोर्ट डाली, कुछ लोग कहते हैं कि हमने एक फर्जी मैसेज किया कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है और इन्होंने कहा कि आपको ऑक्सीजन मिल गया, लेकिन उन लोगों का कहना है कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि हमने इंजेक्शन की मांग की तो सोनू सर ने कहा कि इंजेक्शन मिल गया, लेकिन वे बोले कि इंजेक्शन हमारे पास नहीं आया। और दोस्तों ऐसी बहुत सारी बातें जो हैं ट्विटर पर चल रही हैं, तो उन सभी नेगेटिव क्वेश्चन मार्क्स लगाने वालों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इतना बड़ा महायज्ञ क्या सोनू सूद अकेले कर सकते हैं? सोचिए इसमें उनके साथ कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, कितने हेल्पलाइंस में कितने लोग जवाब देते होंगे, कितने लोग मेल्स का जवाब देते होंगे, कितने लोग ट्वीट्स का जवाब देते होंगे और कितने लोग फ़ोन कॉल्स उठाते होंगे।
तो क्या इतने लोगों की मदद करने में कोई गलतियां नहीं हो सकती? जब हम अपने घर में रह रहे 10 मेंबर्स को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, तो सोचिए देश भर से हजारों लाखों रिक्वेस्ट रोज आ रही हैं, तो क्या उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती? दोस्तों, मेरे विचार से यदि 1000 लोगों में से 950 लोगों की भी कोई इंसान मदद कर देता है, तब भी उसकी प्रशंसा करो। क्योंकि सोनू सूद जैसा व्यक्ति अपने घर में मज़े से एसी में सो सकता था, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकता था, लेकिन बाहर निकलकर अपना समय और पैसा दोनों खर्च कर रहे हैं सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्हें वे जानते भी नहीं। और यहाँ हम लोग अपने घर में मज़े से हैं और ऐसे लोगों के बारे में नेगेटिविटी फैला रहे हैं, तो दोस्तों सोचिए कितनी शर्म की बात है। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को ऐसी कोई भी ट्वीट्स या व्हाट्सएप मिले तो उसे आगे फॉरवर्ड या शेयर ना करें, नहीं तो दोस्तों लोग नेकी करना बंद कर देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।